आयोटा। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आयोटा क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 10 करने वाले हैं, आरसी अग्रवाल चैप्टर नंबर 16, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। आरसी अग्रवाल का नया एडिशन 2020 के एडिशन से, और इससे पहले के सारे एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन जो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको हर एक चैप्टर का और हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर इजीली आप समझ सकते हो। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10, इससे पहले भी 25 एग्जाम्पल था इसी चैप्टर का, वो मैंने करवा दिया है। फिर पार्ट बी में ये 20 एग्जाम्पल है, 20 में से ये 10वां एग्जाम्पल जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर और भी 10 एग्जाम्पल है, वो सब मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये सब एग्जाम्पल बहुत सारे अच्छे हैं। देख लो, बोला कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसका एरिया हमें दे दिया है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलिए अब आगे चलते हैं। बोला टेकिंग द वर्टेक्स एज सेंटर, अ सर्कल इज डिस्क्राइब विद रेडियस इक्वल, दिस इज इक्वल नॉट इक्वल, इक्वल इट इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ समझो कि क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या कि जो ये जो वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का, बोला कि ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है ए बी सी, तो वर्टेक्स को रेडियस मान करके और इसके साइड का आधा जो ए बी सी जो भी आएगा, मान लो कि ए बी सी हमारा 30 आता है, तो 30 का आधा 15, तो इसका आधा लेकर के एक सर्कल यहाँ से बनाया गया, एक सर्कल यहाँ से बनाया गया, एक सर्कल यहाँ से, इस सेंटर इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहाँ से बनाया गया, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहाँ से बनाया गया। चलिए तो तीन सर्कल बनाया गया है एज शॉन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो बोला कि वो एरिया निकालिए जो कि सर्कल में इंक्लूड नहीं है, हमको वो एरिया निकाल के दिखाना है। समझो इस बात को, हमें ये एरिया निकालने के लिए कहा गया कि ये एरिया निकालिए, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये देखो ये सेक्टर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री है ना, और ये भी 60 डिग्री, तो हर एक एंगल 60 डिग्री। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एक सेक्टर जो निकालेंगे वही तीनों होगा, तो तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके एरिया ऑफ सेक्टर जो है हम लोग हमारा, ये भी देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो इस ट्रायंगल के अंदर ही तो आ रहा है, तो इन तीनों को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फुल ट्रायंगल में तीन सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारा खाली सेंटर रीजन का एरिया निकलेगा। तो उसके लिए पहले हमको निकालना होगा इसका रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए हमने निकालना होगा साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सभी लोग साइड निकालते हैं। तो एज वी नो दैट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है क्या, √3, या फिर इतना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, देख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है ना, तो ABC इज इक्वल टू हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100√3 दिया हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है लगा रहा हूँ मैं, कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। चलिए तो यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 100√3। चलिए यही रहा एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू इतना हमको एरिया दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, इस 4 को उधर भेजो मल्टीप्लाई में जाएगा, √3 को भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 100√3 इंटू 4/√3 हो जाएगा। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, प्लस होता तो फिर नहीं काटते, मल्टीप्लाई इसलिए काट रहे हैं। तो ये हो जाएगा 400, यानी कि साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 400, तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है तो 20 का, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया हमारा साइड, साइड अगर हमारा 20 है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस उसका आधा बोला गया, यानी कि रेडियस 10 हो जाएगा हमारा। तो देखो, तो नाउ इफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल इज इक्वल टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग शेडेड रीजन का निकालते हैं, तो देयर फोर एरिया ऑफ शेडेड, शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब माइनस हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ, माइनस क्या हो जाएगा हमारा कि 3 इंटू एरिया
ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तीन से मल्टीप्लाई क्यों किया कि एक सेक्टर यहाँ, दूसरा सेक्टर यहाँ, तीसरा, तीन सेक्टर है इसलिए तीन से मल्टीप्लाई किया। चलिए तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ ऑलरेडी 100√3। चलिए और माइनस हो जाएगा हमारा, तो थ्री को थ्री रहने दो, इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाए आर स्क्वायर। आर पाए का वैल्यू कुछ लेने के लिए कहा गया क्या? कुछ नहीं लेने के लिए कहा गया, हाँ लिया गया, पाए का वैल्यू बोला गया कि 3.14 लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि पाए हो गया हमारा 3.14 पाए आर स्क्वायर। आर कितना हो गया हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा, थीटा हो गया हमारा 60, बाय होता है 360, तो 360। चलिए तो इसको जब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए और यहाँ से काटेंगे 3 से, तो ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। और इसको काटोगे तो काट लो, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा कि 2 × 1 = 2। चलो एक इसमें चला गया तो हो गया 11 × 2 = 5 = 10। चलिए फिर इसके बाद एक इसमें चला गया तो 2 × 7 = 14, यानी कि 1.757 आ जाएगा। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चलो ये आ गया हमारा 100। और रूट थ्री का वैल्यू हमें बोला गया लीजिए, रूट थ्री का वैल्यू कितना लीजिए, तो बोला कि 1.732 लीजिए। और माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि 157 इंटू यहाँ भी हो गया हमारा 100। चलिए तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा कितना कि 20 है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 173.2 माइनस यहाँ भी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी कि 157 आ जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली। चलिए तो इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कि पॉइंट के बाद तो 2 ही रहने दो, तो 2 ही रहेगा, 13 में 7 गया तो 6 + 7 = 13, यहाँ हो गया 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 16 आ जाएगा, 16 cm². तो यही आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्टेन रीजन। था ना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल था डियर स्टूडेंट्स, है ना, सिंपल ही था, बहुत इजी था, खाली मेरे को कैलकुलेट करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना तक हो सके शेयर करें, सबको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे इसी चैप्टर का। तब तक के लिए बाबा अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।